गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम डिंपल बारी फ्रॉम रॉयल इंटरनेशनल स्कूल। बेटा, थर्ड क्लास की हिंदी पढ़ रहे थे हम। हिंदी के अंदर हमारे 4 से 5 लेसन कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन हमने भाषा व्याकरण से संबंधित जो क्वेश्चन आंसर थे वो हमने छोड़ दिए थे। वो इसलिए छोड़ दिए थे, वो मैं पहले बता चुकी हूँ आपको कि आप थोड़े बहुत मैं व्याकरण में आपको करवाना चाहती थी। अब व्याकरण के अंदर काफ़ी कुछ हमारा कोर्स कंप्लीट हो गया है, तो आपको व्याकरण से संबंधित काफ़ी कुछ जानकारी मिल चुकी है। तो बेटा, अब आज हम भाषा और व्याकरण से संबंधित जो क्वेश्चन अपन ने छोड़े थे उनको कंप्लीट कर लेते हैं। ओके बेटा, हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है चित्रकथा से अनुस्वार व अनुनासिक वाले शब्द छाट कर लिखिए। ओके बेटा, तो अनुस्वार का मतलब क्या होता है, बताया था ना अपन ने व्याकरण में, पढ़ा था ना डॉट वाला, ऊपर जो डॉट लगा हुआ रहता है ये वाला, ये क्या है अनुस्वार, और ये वाले चिन्ह कौन सा है चंद्रबिंदु, जिसे हम अनुनासिक के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे आपको अनुस्वार वाले शब्द लिखने हैं और यहाँ पर आपको अनुनासिक वाले शब्द लिखने हैं। क्लियर? तो आपको अपनी मर्जी से, ये तो मैंने खुद की मर्जी से लिखे हैं, आप इसके अलावा दूसरे और कोई भी शब्द लिख सकते हैं, जैसे मयंक, रंग, चौंच, बंदर, ये तो क्या है अनुस्वार, समय बिंदी लगी हुई है ना बेटा, ये अनुस्वार वाले हैं। अनुनासिक में, जिसमें हम चंद्रबिंदु भी जानते हैं, सांप, सांस, पूछ, आंगन, और भी आप कोई शब्द लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। क्लियर बेटा, समझ में आ गया अपन को? उसके बाद में चलिए अपन पेज पलटते हैं, सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में बेटा आपको दे रखा है, आपको दिए गए शब्दों के वर्णों को अलग अलग करके लिखिए। अब आपको वर्ण क्या करने हैं बेटा, अलग करने हैं, बताया था ना वर्ण कैसे अलग होते हैं अपने, जैसे खेत है तो क्या लिखेंगे, खै, फिर उसी के नीचे क्या लगेगा, हला प्लस ए प्लस तय प्लस ए, ठीक है, तो क्या बन गया अपना खेत, है ना, क्योंकि खे काई का स्वर आ रहा है, ए का स्वर आ रहा है, तय तय के अंदर काई का स्वर आ रहा है, ए का स्वर आ रहा है, तो अपन को इस तरह से लिखना है। सेकंड क्वेश्चन है, और सॉरी सेकंड शब्द है अपना जी, अब क्या लिखेंगे, जय जी, कौन सी स्वर आ रहा है, ई का स्वर आ रहा है बड़े ई का, भी लिखेंगे वह के अंदर हरत लगाएंगे, व ए का स्वर आ रहा है, ए लिखेंगे। उसके बाद में पुतला, प प्लस उ प्लस त प्लस ए प्लस ल प्लस आ, तो क्या बन गया अपना पुतला। उसके बाद में है तालाब, तो क्या आएगा, त प्लस आ प्लस ल प्लस आ प्लस व प्लस ए, तो इस तरह से क्या बन गए अपने तालाब। तो इस तरह से हमारा सारे जो वर्ण है उन वर्णों को अगर हम जोड़ते हैं तो ये वाले शब्द बन जाते हैं। क्लियर बेटा, चलिए आगे चलते हैं। आगे बेटा आपको दे रखा है पाठ से अलग वाक्य बनाइए, यानी कि आपको ये शब्द दे रखे हैं, इन शब्दों को इस्तेमाल करते हुए आप अपनी मर्जी से कोई भी वाक्य बना सकते हैं। कुछ वाक्य मैंने बनाए हैं, आप इसके अलावा दूसरा और कोई भी वाक्य बना सकते हैं। जैसे पहला वाक्य है बॉल, तो आप क्या लिख सकते हैं, बच्चों बॉल में मैदान में बॉल के साथ खेलो, या इसके अलावा और दूसरा कोई भी वाक्य बना सकते हैं। दूसरा है अंदर, राम अंदर कमरे में है, अंदर है ये भी लिख सकते हैं, राम अंदर कमरे में है ये भी लिख सकते हैं, या और कोई भी वाक्य आप बना सकते हैं। तीसरा है हलचल, क्या लिखेंगे, शेर के आने से गांव में हलचल मच गई। क्लियर? आगे है दीजिए, यह किताब मुझे दीजिए। और भी कोई आपको इसके अलावा आपको ये वाक्य अच्छे नहीं लग रहे, आप अपनी मर्जी से कोई दूसरा वाक्य बनाना चाहते हैं, तो बेटा आप अपनी मर्जी से वो वाक्य बना सकते हैं, लेकिन इन शब्दों का इस्तेमाल जरूर होना चाहिए। ओके बेटा, आगे चले हम। आगे बेटा इसमें दे रखा है विराम चिन्ह, है ना, तो विराम चिन्ह अपन ने पढ़ा था ना, पूर्ण विराम, विस्मयादि बोधक, अल्प विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, है ना, उदाहरण चिन्ह, इनके बारे में अपन ने व्याकरण में जानकारी ली थी ना। तो यहाँ पर आपको बेटा क्या करना है, इन वाक्य के अंदर जो है वह आपको बताना है कि कौन सा चिन्ह कहाँ पे लगेगा। जैसा पहला वाक्य जो दे रखा है, क्या खुशी बॉल के बिना भी खुश रह सकती थी, तो ये क्या है, प्रश्न पूछ रहे हैं ना अपने से, तो लास्ट में क्या लग जाएगा अपने, प्रश्नवाचक चिन्ह। ओके बेटा, दूसरा है अरे यह तो विचित्र जीव है, तो अरे क्या है, ताजुब वाला है ना, विस्मयादि बोधक हो रहा है ना, इसमें विस्मय हो रहा है ना हमें,
राजू हो रहा है, आश्रय हो रहा है हमें, तो जहाँ पर इस तरह के जो शब्द आते हैं, अरे वाह क्या, ये सॉरी क्या नहीं, अरे वाह, अरे वाह इत्यादि, जिसमें किसी चीज़ का हमें विस्मय हो, तो वहाँ पर विस्मय आदि बोधक चिन्ह लगते हैं। तो यहाँ पे क्या है, अरे यह तो विचित्र जीव है, तो अरे के आगे क्या लग जाएगा, हमारे विस्मय आदि बोधक चिन्ह लगेगा, एक सीधा डंडा और फिर उसके नीचे डॉग। तो इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन के आंसर भी समझ में आ गए होंगे और आप इन क्वेश्चन के आंसर अब कंप्लीट कर लेंगे। अब आपको क्या करना है, कॉपी के अंदर इन क्वेश्चन के आंसर नहीं करने हैं, आपको सारे जो मैंने करवाए हैं वो बुक में ही कंप्लीट करने हैं, और बुक जो है आपको स्कूल में मेरे के पास में भेज देनी है, जिससे मैं उसको चेक कर दूँ। ओके बेटा, आज के लिए हम इतना ही करते हैं। गुड डे, गुड बाय, टेक केयर।